ये पूल का लास्ट गेम है, तो पहले हमने पूल में दो गेम में काफ़ी अच्छा किया, हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। कनाडा टफ टीम है, उसने पहले लास्ट ईयर में हमको हम उनसे जो मैचेस खेले थे उन्होंने काफ़ी अच्छी फाइट दी हमको, तो ऑफ कोर्स हम पूल में टेबल में टॉप करने के लिए उतरेंगे, तो आई थिंक हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं सैटरडे गेम के लिए। फील्ड पोजीशनिंग जो आपकी जो चेंज हुई थी उसका कितना फ़ायदा अगर आप हम देखें तो उस चीज़ में मिल रहा है? आई थिंक जो फील्ड पोजीशन चेंज हुई थी, लाइक लिंक मैन थोड़ा मिडफील्डर में खेल रहे थे, तो ऐसा नहीं सारा गेम मैं मिडफील्डर में खेलता हूँ, थोड़ा कभी कभी बीच में स्ट्राइकर भी आता हूँ, तो उसमें हमको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। जैसे हमारे यंगस्टर फॉरवर्ड हैं, जितने भी फॉरवर्ड्स हैं उनसे उनके साथ अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है ऑन द पिच एंड ऑफ द पिच भी। आपको लगता है कि अगर हमारा जो क्वार्टर फाइनल है वो हमारे लिए सब फाइनल जैसे सेमीफाइनल होते हैं, इनसे अलग ही टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो मैच डू और डाई सिचुएशन वाले होते हैं, बट फर्स्ट हमारा फोकस सैटरडे गेम के ऊपर है जो कनाडा के साथ है, तो हम उसके ऊपर पूरा फोकस कर रहे हैं अभी। अगर देखिए 5 दिन का रेस्ट है, जो टूर्नामेंट के 2 मैच खेल गए वो एक पास्ट है, कनाडा का मैच हमें डिसाइड करेगा कि हम टॉप कर रहे हैं या सेकंड आ रहे हैं, तो हम क्यों एक एक्स्ट्रा मैच खेलने जाएं। सेकंड ये है कि टूर्नामेंट एक्चुअली में मेन मैचेज क्वार्टर फाइनल से स्टार्ट है, वहाँ से आपका भविष्य तय होगा कि आप इस मेडल के पास हैं या मेडल से चूक गए। तो मेरे ख्याल से टूर्नामेंट तो स्टार्ट होगा क्वार्टर फाइनल से, जो प्ले ऑफ गेम है वहाँ से, और उसके लिए मेरे ख्याल से एकाग्रता, आपकी सोच, आपकी स्ट्रेटजी सभी काम आएगी। सर वेरिएशन को लेकर पोजिशनिंग जो है लेकिन उसको लेकर काफ़ी वेरिएशन आपने किया और वो फील्ड पे सक्सेस होते हुए भी लिखे, तो ये जो यूनिक चीज़ थी इसको कैसे मेरा अपना मानना है कि चार्ल्सवर्थ का एक बहुत बड़ा कोट था 2002 में, जो कि हमेशा मैं रखता हूँ अपने बुक में भी और जेब में भी, कि जो इंसान या कोच रिस्क नहीं लेता वो कभी सफल नहीं हो सकता, और आपको कुछ रिजल्ट के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तो उसमें लिया। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि प्लेयरों ने पहले कभी मिडफील्ड या स्ट्राइकर या डिफेंडर नहीं खेले, ये सभी सब पोजीशन पे खेलने के माहिर हैं, उनको इस हिसाब से ट्रेन करेंगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये स्ट्राइकर था, क्योंकि हम एक्चुअली में इंडियन नाम दे देते हैं, लेकिन अगर आप देखिए वही स्ट्राइकर अपने 25 में आके डिफेंड भी कर रहा है, और वही डिफेंडर मेरा ओपोनेंट्स के स्टिक डी में जाकर बॉल पास भी कर रहा है, तो ये एक मेरे ख्याल से एक अटैकिंग और डिफेंसिव का समन्वय है, जहाँ कि आपको अपना रोल जहाँ पर पहुँच गए तो उस पोजिशन पर, अगर आप स्ट्राइकर की पोजिशन पर गए तो स्ट्राइकर बन गए, अगर डिफेंडर की पोजिशन पर गए तो डिफेंडर बन गए। सर एक आखिरी सवाल, कल जब मैच खत्म हुआ पाकिस्तान का तो हसन सिद्धार्थ सर काफ़ी तारीफ कर रहे थे हमारे प्लेयर्स की, खासकर यंगस्टर्स की फिटनेस को लेकर, वो मेरे ख्याल से पहली बात है कि हसन सरदार साहब एक बहुत बड़े महान प्लेयर हैं अपने जमाने के, मैं उनको तो देखते हुए पैदा हुआ और किया, लेकिन ये बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को लगता है कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। फिटनेस यस, इस टीम को मैं शुरू से कह रहा हूँ बहुत अच्छी फिटनेस, सोच अच्छी है, लेकिन अभी ये तो मेरा मानना है कि अभी मंजिल स्टार्ट हुआ है। अच्छी बात है कि आपके वर्ड अच्छा लग रहे, कि ऐसा नहीं है कि हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, एवरी डिपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और मेरे को लगता है कि ये जो टीम है यूथ एंड एक्सपीरियंस की, जो हर कोई एक क्वेश्चन मार्क कर रहा था, इस पर खड़ी उतर रही है अब तक, लेकिन आगे के मैचेज और कठिन होते जाएंगे, जैसे जैसे आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगे ऑक्सीजन कम होगी, तो आपको सर्वाइव तो करना है अगर विश्व चैम्पियन बनना है।